एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह, तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया, गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए, हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है को भुलाए किस तरह, तेरी पालना का बाबा, तेरी निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए, तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह, तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह, तेरी ओम शांति।
जब मीठे बाबा को याद करते हैं तो अक्सर चित्र तो सामने होता है परंतु बुद्धि में चित्र के साथ साथ बाबा के चरित्र, बाबा के गुण, बाबा के कर्तव्य, बाबा का प्यार, बाबा से मिलने वाला अपरंपार सुख आनंद भी मन बुद्धि के अंदर समाने लगता है और आत्मा तमु प्रधान से सतु प्रधानता की तरफ, देवत्व की तरफ बढ़ने लगती है। परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र गति से होने लगती है और जब ये याद अगन बन जाती है तो उसमें पुराना सब भस्म हो जाता है और रह जाती है केवल अजर अमर अविनाशी आत्मा। तो आजकल बाबा मुरलियों में हमें बार बार आत्मिक स्थिति को पक्का करने की विधियां बता रहे हैं। आज भी बाबा हमें इसी स्थिति को और शक्तिशाली बनाने के लिए चार्ट रखने की श्रीमत दे रहे हैं। इस विधि को और इससे प्राप्त होने वाली सिद्धि को बाबा के महावाक्यों में हम गहराई से समझेंगे। अभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। तो क्या करना है? चार्ट रखना है। प्रश्न है, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? स्वयं में खुद चेक करेंगे हम कौन सी आत्मा है। उत्तर है, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाह ना रखेंगी क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। तो अभी की आत्माएं तो हम देखते हैं मेजॉरिटी सब शांति चाहते हैं, है ना? कुछ देर के लिए बिल्कुल चाहते हैं शांत हो जाएं, सब बातों से फ्री हो जाएं, है ना? बस यही चाहते हैं। बाकी सुख की तरफ, है ना, क्योंकि वो तो दुनिया का सुख साधन देख चुके हैं तो उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं होते, बस शांति चाहते हैं। लेकिन बाबा सुख का भी सागर है, शांति का भी सागर है, मुक्ति भी देता है, जीवन मुक्ति भी देता है। इसलिए सतयुग आदि की आत्माओं के लक्षण होगा कि वह सुख चाहती हैं। ओम शांति। भगवानुवाच। जब भगवानुवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता। आता है, अभी भी आता है? नहीं, क्योंकि गीता में तो यही लिखा है, जो भक्ति मार्ग की श्रीमद् भगवत गीता है उसमें सब जगह भगवानुवाच है और उनके लिए भगवान श्री कृष्ण है, परंतु बच्चों की बुद्धि में श्री कृष्ण नहीं आता। बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना,
क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो, भक्ति मार्ग नहीं है, फॉलोअर्स नहीं बन रहे हैं, बच्चे समझो। और कोई को यह पता नहीं है कि वह बाप, टीचर, गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं, यह याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, फिर एंड में कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ हो। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है। बहुत महीनता से खुद को चेक करना है ना। अगर कोई और याद है बाबा के सिवाय, अपनी देह भी याद है, कोई और देह भी याद है, तो दुर्गति में जा रहे हैं, देह अभिमान है। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर, चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी बॉडी कॉन्शियस कभी सोल कॉन्शियस, चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं क्या करना है। आज बाबा ने विशेष क्या कहा, चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियां मारते हैं, क्या कहते हैं, बाबा यह होता है, याद भूल जाती है। दे अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, मूल कारण है देह अभिमान। कुछ ना कुछ पाप करते हैं, याद पर सारा मदार है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट याद। याद से आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है, इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है, पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं, पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहाँ तक और किसकी सेवा करते हैं। पढ़ाई से पता चल जाता है कि ये कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है मात पिता और तुम बच्चे, यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है, एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो, कौन है वो निराकार शिव बाबा, वह तो बेहद का बाप है,
जैसे परिचय देते ना, एक है हद का बाप, एक है बेहद का बाप, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकता? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? सब में है तो वर्षा कौन किससे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? पतित पावन है भगवान, सर्वव्यापी हो जाएगा तो पावन कैसे बनेंगे? दुनिया में तो सब पतित हैं, कौन किसको पावन बनाएंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं कैसे बनेंगे पावन? मन मना भव, मुझे याद करो, यह कोई भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते, सब एग्जैक्टली नहीं जानते कि वो कौन है। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में ज़रूर थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होगी। जितनी नॉलेज ऊंची होगी, फिर पढ़ाई में डिफ़िकल्टी भी होगी। सहज नाम भी है, फिर सहज भी कह देते हैं। बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना? बच्चे डिफ़िकल्ट क्यों समझते हैं? ईजी है ज्ञान और बाबा की याद, फिर डिफ़िकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते, एक ही कारण है, पावर नहीं है ना। तो कितना भी ज्ञान सुनते रहे सुनाते रहे फ़ायदा नहीं होगा। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे, काफ़ी मुरलियों में बाबा बार बार आजकल यही कहते हैं, कंट्रास्ट। जब कंट्रास्ट दिखाई देता है ना कि ब्लैक कौन है और वाइट कौन सा है, तो पता चलता है सही क्या है गलत क्या है। तो पापा कंट्रास्ट बताते हैं, नर्कवासी हो स्वर्गवासी हो, है ना। तो हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नर्कवासी हैं या स्वर्गवासी हैं। खुद से पूछें, नर्कवासी हैं व स्वर्गवासी हैं? अब सतयुग है कहाँ, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं कैसे समझाओ। मनुष्य नहीं समझते, सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मते हैं, अनेक मत से दुर्गति होती है, है ना। अनेक मतों में पढ़ते हैं तो श्रीमत भूल जाती है। एक मत से सदगति होती है, यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, हम शुभ बोलते हैं। बाप की महिमा करते हो, वह सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। हम जो बोलते हैं, जो सुनाते हैं, जो समझाते हैं, उससे सर्व की सदगति हो जाती है, क्योंकि हम बाप का परिचय देते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है, भल प्रभात फेरी निकालो। अभी शिवरात्रि आ रही है तो सभी तैयारी भी कर रहे हैं। बोलो हेवनली गॉड फादर, हमको यह पद प्राप्त करा रहे हैं, अब नर्क का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है, एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो। हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते, बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन, फिर हेल। तो फिर हेल में कौन लेकर गया? हाँ, रावण राज्य माना ही
आसुरी राज्य नीचे ही गिरते आते हैं उल्टी रावण की मत से। ये जो देवभान में आकर विकारों की मत मिलती है ना, इससे गिरती जाती है आत्मा। पतित पावन एक ही बाप है, रावण पतित बनाता है और पतित से पावन एक बाप बनाता है। हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा, है ना? एक तरफ हंस बाबा को याद करने वाले, गुण मोती चुगने वाले, ज्ञान सुनने सुनाने वाले, और दूसरी तरफ बगुले, है ना, बिल्कुल विकारी। तो इकट्ठे रहेंगे तो मुंह कैसे निकलेगा। हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती है। हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो ना। सरकमस्टांस देखते हैं, हर एक को एक जैसी राय नहीं दी जाती, परंतु फिर भी यदि इंडिपेंडेंटली अपना सब कुछ निभा सकते हो, खर्चा उठा सकते हो, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अलग से अपना शरीर निर्वाह करें और बाबा की याद में रहें, सेवा करें या समर्पित हों। पेट बहुत नहीं खाता है, बस दो रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है ना। कहीं भी रहें, अकेले रहें, सबके साथ रहें, लेकिन खुद से ये प्रण ज़रूर करें कि हमें बाबा की याद में रहना है। तो बाबा कह रहे, इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है, बस याद में बैठ जाओ। नहीं, धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो रहना है, कमाई करनी है, जो जिम्मेवारी है वो निभानी है, पर भाई बाबा की याद में रहकर। भीख तो नहीं मांगना है, यह तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। देखा, अगर मुफ्त में खाते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये ऐसे ऐसे भीख पर चलना। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है, वहाँ भी हैं, परंतु वहाँ सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। कुछ भी कर लो, दुख ज़रूर होगा। पोजीशन तो होती है ना, जैसा कर्म किया है, जैसा पुरुषार्थ किया है, उस अनुसार फिर पद मिलता है। बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। खुद से पूछो, खुद को सबसे ज़्यादा पता होता है ईमानदारी से कि हम बाबा की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है ना, कहते हैं बस वो जानता है मैं क्या कर रहा हूँ। उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे। यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद हो जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है। शांति तो सबको चाहिए ना, हर धर्म वाले को चाहिए, तो इसीलिए सबको ऐसे समझाओ। उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़े ही शांति दे सकेगा।
बाप कहते हैं, तुम्हारा स्वधर्म है शांत। चित्र नहीं देगा, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो बाबा, क्या कहते हैं, शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो कहाँ है? बाबा कहते वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? सुख धाम बनाने वाला, सुख नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वह देंगे भी क्या? ना याद नहीं करेंगे, मांगेंगे भी नहीं, तो अपने आप थोड़ी ना देंगे, है ना? किसी दुकान पर हम जाते हैं, जाना तो पड़ता ही है, ऐसे थोड़े ही मांगेंगे ही नहीं कि हमें ये दे दो, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी ना देंगे। तो कई लोग कहते हैं कि हम भगवान हमें कुछ देता ही नहीं है, उसको याद तो करो, उसके पास तो जाओ, है ना? तो क्यों नहीं देगा? उसके पास तो वो है ना, वो तो शांति का सागर है, सुखधाम स्थापन करने वाला है। याद करो, अपने आप मिल जाएगा। शांति का सागर तो बाबा ही है ना, तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वह सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, ये अंतर होगा, वह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं, न मुक्ति में दुख है न जीवन मुक्ति में दुख है। तो पहले पहले तो सबको मुक्ति में जाना है, फिर जैसी जिस आत्मा का पाठ है, जैसा जिसने पुरुषार्थ किया है, नंबरवार फिर सुखधाम में आते रहेंगे। तुम जानते हो, हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बाकी सब का क्या होगा? बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है, जब सब आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर बाबा के साथ जाते हैं, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना, वो भी तो सुख दुख देखते हो ना। किसी को तो घर में मनुष्य आत्माओं से भी ज़्यादा सुविधाएं मिलते हैं, है ना? कई डॉग्स होते हैं, कई पेट्स होते हैं, और कई मनुष्य तो ऐसे ही पड़े रहते हैं सड़कों पर, तो उनका भी हिसाब किताब है। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे, यह भी ड्रामा में नोंद है। वहाँ यह होते ही नहीं, सतयुग में ऐसे नहीं होते, यह रेस आदि बाद में शुरू हुई है, यह सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। बिल्कुल आदि में पहुंच जाओ, मन बुद्धि से हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं, अपनी चलन से, अपनी धारणाओं से, याद के जौहर से समझ सकते हैं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है, खुद भगवान विधि भी सिखा रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, हर तरह से बाबा हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, फिर भी ना करें तो, है ना? तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं,
ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। भंभोर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी, इतनी बड़ी दुनिया है, थोड़ी आग नहीं लगेगी, बहुत लगेगी। बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं, ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं क्या करो, एंड टाइम नज़दीक है, वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, ब्रह्मा बाबा को तो छुड़ा दिया, अब यह छीछी दुनिया है, तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं और बाप से वर्षा ले लेवें। बहुत प्यार से याद करना है। कैसे याद करना है? प्यार से याद करना है। बाबा कई बार कहते हैं ना, दिल से, दिमाग वाले नहीं, दिल से बाबा को याद करना है, तो प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भल पूजा करते थे, ब्रह्मा बाबा भी विष्णु की पूजा करते थे, परंतु यह मालूम थोड़ी था कि हम यह बन सकते हैं, इतना तो कोई भी नहीं समझते थे। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी, शिव बाबा आया तो पूजा छोड़ दी, ब्रह्मा बाबा ने भी छोड़ दी और हम बच्चों ने भी छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना, ब्रह्मा बाबा को सब साक्षात्कार कराया, इतना ज़्यादा वैराग्य आ गया कि ऑटोमेटिक सब कुछ छूट गया बिना मेहनत के। हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, क्या बाबा आप कितने मीठे हो। जब प्राप्ति होती है ना, तो ये गीत ऑटोमेटिकली निकलता है कि बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, बाबा आप तो मेरे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता। जो इस दुनिया में होकर जाते हैं, कुछ अच्छा कर्म करके जाते हैं, तो उनके यादगार चित्र बनाते हैं, पूजा आदि करते हैं। तो शिव बाबा आया और बाबा ने इतनी सेवा की, इसलिए तो बाबा का यादगार चित्र है। शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियां मारते हैं ना, बहुत पुकारते हैं, भगवान ऐसे है, ऐसे है, ये कर दो, वो कर दो, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते हैं, आरती बनी बनाई है, एज इट इज सभी लोग उच्चारित करते रहते हैं, गाते रहते हैं, अनेक स्तुतियां हैं। बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो,
है ना, यह तो ग्लानी हुई, है ना। किसी की भी कंपैरिजन भगवान के साथ नहीं की जा सकती, परंतु भावनावश अज्ञानतावश हम करते आए, अपनी तरफ से स्तुति करते आए, लेकिन वास्तव में हो रही थी ग्लानी। तो बाबा कहते ये तो ग्लानी हुई, बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार यह सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सर्व का उपकार सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है ना, माया पर जीत पहनते हैं, फिर हार खाते हैं, फिर जीत पाते हैं। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बगैर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती हैं, देवता मत तो मिलती नहीं, बाकी है मनुष्य मत, है ना। हर एक अपना अक्ल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है, आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है, जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जैसे वह भक्ति है, तुम्हारी फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति मार्ग में स्थूल रूप से कितनी मेहनत करते हैं, ठंडे पानी में स्नान करते हैं, है ना, नदियों पर जाते हैं, मेलों में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो ज्ञान में भी मेहनत करनी है ना, भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते हैं, क्या कहते गुरु लोग कहते, रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता, बहुत करके राम राम की ध्वनि लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, मुख से नहीं जपना है, मन में बाबा को याद करना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे, खुद नहीं करेंगे दूसरों को बताते रहेंगे तो दूसरे भी उस पर पालन नहीं कर पाएंगे, धारणा नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले खुद बाबा को प्यार से याद करना है ना, फिर दूसरों को भी कहना है। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। इतना मीठा बाबा जो अपना सब कुछ हम पर लुटा देता है, इतना प्यार करता है ना, जन्म जन्मांतर के लिए हमें सुखी बना देता है, फिर हम बाबा को याद भूल कैसे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट यानी जंक उतारने के लिए बाप को याद करो। न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है, कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? अच्छा अच्छा किसी के लिए जुड़वानी, बच्चों को जुड़वानी, बाप को दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबर वन को साधन का यादगार जुड़वानी। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है।
ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। दूसरा, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मुंह निकाल देना है। आज का वरदान है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कैसे बनेंगे मास्टर नॉलेजफुल? जब बेहद की वैराग्य वृत्ति से पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहेंगे। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। मूल कारण यदि देखेंगे ना, तो हमारे ही स्वभाव संस्कार जो पुराने हैं, है ना, जो रावण ने हमें दिए हैं, उनके कारण विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है, तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। क्या करना है? अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के वार से सेफ रहना है ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है। स्लोगन है, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। तो आज सभी क्या विशेष होमवर्क करेंगे? ना, बाबा ने आज बार बार कहा, सब संबंधों को छोड़ो, बस एक बाबा के साथ सब संबंध जोड़ो। देह को, देह के सब लगावों को, झुकावों को, जहाँ भी मन मुटाव की रगे जुड़ी हुई हैं, आकर्षण और विकर्षण है, चाहे भक्ति का है, चाहे किसी के साथ लगाव झुकाव का है, सब रगों को, सब रस्सियों को तोड़ो और मन बुद्धि एकाग्र करो एक बाबा की तरफ। तब जब बाबा को एकाग्र होकर याद करेंगे, थोड़ा सा भी अंश कहीं भी ना रहे, किसी में भी मेरा झुकाव ना हो, किसी का भी मुझ पर प्रभाव ना हो, कुछ भी ना हो, तब विकर्म भी विनाश होंगे, आत्मा इस शरीर से डिटैच भी होगी, देह अभिमान भी टूटेगा और बाबा की याद से आत्मा के पाप दग्ध भी होंगे। तो बहुत गहराई से सारा दिन चेक करेंगे कि मेरा मन और बुद्धि एकाग्र है, एक के आगे है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। यदि है, तुरंत तोड़ेंगे और एक से जोड़ेंगे। सारा दिन ये अभ्यास कर्म करते, बाबा की याद में रहते, कुछ भी पढ़ते, चलते फिरते, हमारा चलता रहे। अच्छा, ओम शांति।
सुना।